छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर के एनएमडीसी परियोजना में राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह संपन्न। एनएमडीसी बेलाडीला आयरन और माइन बचेली कॉम्प्लेक्स में दिनांक 8-10-2024 को प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में श्री बी वेंकटेश वरोल अधिशासी निदेशक के मुख्य आतिथ्य में राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सभी विभागाध्यक्ष SKMS एवं MMWU के अध्यक्ष सचिव एवं पुरस्कार विजेताओं अधिकारियों कर्मचारियों एवं विभिन्न विद्यालयों के विजेता प्रतिभागी शिक्षकों की उपस्थिति रही। ज्ञातव्य है कि दिनांक 14-9-2024 से 29-9-2024 तक परियोजना प्रमुख श्री बी वेंकटेश वरोल अधिशासी निदेशक के मार्गदर्शन श्री महेश नायर महाप्रबंधक कार्मिक सह सर्व कार्यभारी अधिकारी राजभाषा के समन्वय एवं श्री सौरभ चढ़ार सहायक प्रबंधक राभा के नेतृत्व में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस तारतम्य में श्री सौरभ चढ़ार राजभाषा अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष BIOM बचेली इकाई संकुल में भारत सरकार की राजभाषा नीति के दिशा निर्देशों के अनुरूप राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस वर्ष भी 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुआ था। इस अवधि में BIOM बचेली कॉम्प्लेक्स के अधिकारियों कर्मचारियों गृहणियों एवं शिक्षकों हेतु हिंदी निबंध हिंदी टंकन अनुवाद वस्तु देखें एवं लिखें कविता लेखन एवं लिखित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह में मुख्य अतिथि के कर कमलों से वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु सिविल विभाग को राजभाषा श्रेष्ठता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को राजभाषा शील्ड एवं खनन विभाग निक्षेप क्रमांक 5 को राजभाषा का कप प्रदान किया गया। तत्पश्चात राजभाषा पखवाड़ा में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए एवं मुख्य विशिष्ट अतिथियों ने राजभाषा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राजभाषा का प्रचार प्रसार निगम एवं परियोजना में अविरत रूप से किया जा रहा है। हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति अधिक प्रभावशाली है। स्वागत उद्बोधन श्री महेश एस नायर महाप्रबंधक कार्मिक ने किया तथा श्रमिक संघों के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन श्री सौरभ चढ़ार सहायक प्रबंधक राभा एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री सौरभ कुमार उप महाप्रबंधक कार्मिक द्वारा किया गया। संजय कुमार सिंह, T News ब्यूरो, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़।